हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलयन चैप्टर से हम पाठनिहित प्रश्न 1.11 को डिस्कस करेंगे। यदि आप पुरानी एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको 2.11 नंबर पे दिखेगा। आज के इस वीडियो में इस क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या निकालने के लिए बोला गया है। एस्कार्बिक अम्ल जिसे विटामिन सी भी कहते हैं, जिसका फार्मूला दिया गया है C6H8O6, के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर हिमांक में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाए। Kf का मान दिया है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल का पावर -1। यदि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हिमांक के अवनमन का मान दिया गया है और यहाँ पर Kf का मान दिया गया है, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन आधारित है हिमांक के अवनमन के कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे हिमांक के अवनमन का। हिमांक के अवनमन का एक फार्मूला आपने पढ़ा है, डेल्टा Tf बराबर Kf गुणे W सैल्यूट इन ग्राम अपान M सैल्यूट इंटू W सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पे डेल्टा Tf जो है हिमांक का अवनमन है, Kf को आप मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं, W सैल्यूट मीन्स विलेय का द्रव्यमान जिसको ग्राम में आपको यूज करना है, M सैल्यूट मीन्स विलेय का मोलर द्रव्यमान और W सॉल्वेंट मीन्स विलायक का द्रव्यमान जिसको आपको किलोग्राम में रखना है। अब यदि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एस्कार्बिक अम्ल यानी विटामिन सी के उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोला गया है। यानी कि इस क्वेश्चन में सीधा बोला गया है कि जो एस्कार्बिक अम्ल है ये विलेय पदार्थ है और इसी के द्रव्यमान को आपको निकालना है, यानी हमको यहाँ पर मान निकालना है W सैल्यूट का। तो इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, M सैल्यूट W सॉल्वेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, Kf को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं W सैल्यूट बराबर डेल्टा Tf इंटू M सैल्यूट गुड़े W सॉल्वेंट इन kg अपान Kf। अब क्वेश्चन पे एक बार और चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मान दिया गया है। तो डेल्टा Tf का मान सीधा आपसे बोल दिया गया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको आप कह सकते हैं 1.5 केल्विन। अब ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो डेल्टा Tf है ये Tf माइनस Tf नॉट के बराबर होता है, यानी कि यह एक प्रकार का तापमान का अंतर है और तापमान के अंतर के केस में जो डिग्री सेंटीग्रेड का मान होता है वही केल्विन का भी मान होता है। कैसे ऐसा है, तो आप समझ सकते हैं कि यदि इन दोनों को हम केल्विन में रख के घटाते तो मान तो इतना ही आता लेकिन यूनिट केल्विन आता, और यदि डिग्री सेंटीग्रेड में रख के घटाएंगे तो मान यही आएगा लेकिन यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो तापमान के अंतर के कंडीशन में डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में मान बराबर होते हैं, ये मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इस प्रकार डेल्टा Tf का मान हमको मिल गया 1.5 केल्विन। अब M सैल्यूट की बात करें तो यहाँ पर आपको सैल्यूट का फार्मूला दिया गया है C6H8O6। आप जानते हैं कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12 होता है, संख्या है 6, तो 6 से गुणा कर दिए। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 और संख्या 8 है, तो 8 से गुणा कर दिए। इसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए 16 और संख्या है ऑक्सीजन की 6, तो 6 से गुणा कर दिए। इसको सॉल्व किए 72, यहाँ से मिला 8 और यहाँ से मिला 96 और तीनों को हमने जोड़ा है तो 176 ग्राम पर मोल प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं कि मोलर द्रव्यमान के लिए मात्रक ग्राम पर मोल यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा Tf का मान मिल गया, M का मान मिल गया। अब बात करते हैं W सॉल्वेंट की, तो W सॉल्वेंट भी आपके क्वेश्चन में सीधा दिया गया है। यहाँ पर एसिटिक अम्ल ही सॉल्वेंट है क्योंकि इसी में एस्कार्बिक एसिड को घोल रहे हैं और इसका द्रव्यमान 75 ग्राम दिया है, लेकिन आपको फार्मूले में इसको किलोग्राम में यूज करना है तो इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। आप जानते हैं ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग करते हैं, तो 1000 से भाग करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा 0.075 किलोग्राम। तो इस प्रकार हमने W सॉल्वेंट इन kg ज्ञात कर लिया। और Kf का मान आप देखो सीधा क्वेश्चन में दिया गया है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स।
तो अब सारी वैल्यू आपको मिल चुके हैं, तो इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखो हमने लिख दिया डब्ल्यू सल्यूट इक्वल टू डेल्टा टी एफ का मान 1.5 केल्विन, एम सल्यूट का मान रख दिया 176 ग्राम पर मोल, और डब्ल्यू सॉल्वेंट इन केजी हमने ले लिया 0.075 केजी, और के एफ का मान है 3.9 केल्विन किलोग्राम मोल का पावर -1। अब पहले यूनिट को सॉल्व करते हैं। तो देखो केल्विन ऊपर भी था, केल्विन नीचे भी था, तो केल्विन को केल्विन से कैंसिल कर देते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि किलोग्राम ऊपर भी है, किलोग्राम नीचे भी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और मोल का पावर -1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो डब्ल्यू सल्यूट बराबर हमको यहाँ से मिल गया 1.5, यहाँ से मिल गया 176, और यहाँ से मिल गया 0.075। और यूनिट देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ग्राम बच गया है और बाकी सारे यूनिट कैंसिल हो गए हैं, तो अब यहाँ पर बस ग्राम बचा है। नीचे यूनिट तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन वैल्यू के रूप में 3.9 बचा हुआ है। अब इसको और अधिक सॉल्व करते हैं, तो ऊपर वाले इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे हमको प्राप्त होता है 19.8 ग्राम और अपन 3.9, और जब इसको भाग करते हैं तो आंसर प्राप्त होता है 5.077 ग्राम। ये हो गया आपका विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपसे पूछा गया था विटामिन सी के कितने ग्राम को घोलें, तो आप कहेंगे 5.077 ग्राम को घोलें, जिससे आपको हिमांक में वांछित जितना क्वेश्चन में दिया गया था उस प्रकार का अनुमान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया है। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम रेगुलर ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें।